हम आपके साथ जिस श्रेणी में हम सम्मानित करना चाहते हैं उसमें नॉमिनीज थे, लेकिन जिन्हें चुना गया है बेस्ट सैनिटेशन ऐप, तकनीक की बात यहां पर होगी, तो मैं चाहूंगी कि आप इस एनवेलोप को खोलें। गोज टू ICRF इनोवेटिव सिटीजन रेडिसल फोरम टू मिस्टर पी सुरेश फाउंडर। मिस्टर पी सुरेश प्लीज स्टेज पर आए। आजकल पूरा जमाना ही ऐप का हो गया है, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ होने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। करीब 10,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं इस ऐप के। जी हाँ, 10,000 डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन जिस वो बहुत कम है। मैं वही पूछने वाली थी कि कम है या तो, उम्मीद के मुताबिक है। उम्मीद से तो बहुत कम है, लेकिन आने वाले दिन में डेफिनेटली ये बढ़ेंगे। इसका जो ऐप है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या ये पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्या 10,000 हैं तो किस क्षेत्र के लोग हैं ये? बेसिकली 10,000 लोग जो है, कोई भी आदमी हो सकता है, बच्चा से लेके बूढ़ा कोई भी हो। इसका मकसद ये है कि सैनिटेशन ऐप आपने चुना है, लेकिन ये सैनिटेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सारे प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के रिलेटेड होते हैं इसमें आप सबमिट कर सकते हैं। आज गांधी जयंती है, आप सबको पता है गांधी जी ने हमारे लिए, देश के लिए स्वतंत्रता लाया है, तो उसका कारण है उन्होंने बहुत बड़े धरना किए हैं। और आज हमको इस देश में कुछ भी काम करवाना है, पर्टिकुलरली सरकार से, आपको धरना करना पड़ता है, उसके सिवा होता नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में सब इतने बिजी होते हैं, तो बेसिकली हमने ये मोबाइल ऐप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धरना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धरना है, जिससे आप काम करवाना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर हमारे लिए काफ़ी है। अगर हमें कुछ स्वच्छता के बारे में, ड्रेनेज के बारे में या रोड के बारे में कोई भी समस्या है, देखिए रोड के ऊपर गंदगी मैं अकेला निकाल सकता हूँ, लेकिन ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए लोग हैं, डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उससे करवाना है। एक्चुअली उनकी डिपार्टमेंट की खुद की विजिलेंस सिस्टम होनी चाहिए कि कहाँ पर लीकेज हो रहा है और उसको सॉल्व कैसा करना है, वो लोग तो करते नहीं हैं। तो एटलीस्ट हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में एक 160 कैरेक्टर का एक कंप्लेंट बना के मेरी ऐप में आप डाल के उनका नाम और नंबर आप सबमिट कर देंगे, जितने भी हमारे डाउनलोड किए मेंबर्स हैं, अगर उनको लगता है कि ये समस्या सही है और उसको एक सपोर्ट बटन मारते हैं, तो एक SMS उस अधिकारी के पास पहुंच जाता है। 10 लोग बटन दबाते हैं तो 10 मैसेज उधर जाता है, 100 लोग करते हैं तो 100 मैसेज उधर जाता है, और अधिकारी को कुर्सी से उठ के तुरंत उस काम को करना पड़ता है। कर रहे हैं अधिकारी ये काम? बिल्कुल कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब आगे का जो रास्ता है वो हम इतना समझे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही हो सकता है। पब्लिक प्राइवेट नहीं, ये तो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी का सही मीनिंग है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो हम सब, गवर्नमेंट अलग नहीं है, हर आदमी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, तो हम भी हमारा कर्तव्य जानते हैं कि ये भाई मेरा देश है और मेरा देश में कुछ प्रॉब्लम है। आपके घर में ट्यूबलाइट जला, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना है कि अगर आपकी गली में आपका ट्यूबलाइट खराब है या ड्रेनेज खराब है, तब हर आदमी ये अपनापन महसूस होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम। इसको बनाने वाले एक पॉलिटिशियन है? नहीं नहीं नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, मैं खुद कुछ पॉलिटिक्स में अवेयरनेस के लिए गया था, फिर बाद में जाना चाहते हैं आप? देश सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते, उसे बेहतर कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी, और आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा होगा अभी। यस डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन
कहते हैं महात्मा गांधी भी बहुत ज्यादा तकनीक के फैन नहीं हुआ करते थे, लेकिन आपको लगता है कि स्वच्छता में बहुत बड़ा सहयोग तकनीक दे सकता है टेक्नोलॉजी? डेफिनेटली डेफिनेटली जी, महात्मा गांधी के ज़माने में टेक्नोलॉजी उतना डेवलपमेंट नहीं था, अगर वो होते तो अलग बात होती थी। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं भाई, आप अपनी रिलैक्सेशन के लिए करने के बदले अपनी देश के लिए, अपनी कंट्री की तरक्की के लिए यूज़ कर रहे, तो उससे बेहतर क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी को उस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि इट शुड बी यूजफुल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों की तरफ से जिनकी जो शिकायतें हैं वो आपकी वजह से एड्रेस हो रही हैं। और शुभकामनाएं आपको, थैंक यू, इस अवार्ड को जीतने के लिए। हम शाम को एक बार फिर आपको जब सम्मान से नवाजा जाएगा तब मंच पर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तकनीक का जमाना है और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर पी सुरेश, फाउंडर आईसीआरएफ यानी कि इनोवेटिव सिटीजन रिड्रेसल फोरम। इसके जरिए जो आम लोग हैं वो देख पाते हैं कि सरकार कितनी मदद कर रही है, उनकी काम हो पा रहा है या नहीं समय से, इन सारी चीजों को मद्देनजर किया जाए।